पेशेंस का, एक सेकंड दीजिए, मेरा भी भुला गया है ये, शिट 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 यार, अपोलॉजीज अपोलॉजीज अपोलॉजीज, मुझे भी ऊपर देखना पड़ेगा, शिट। इंटरनेशनल रिलेशंस छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पैगोंग जो है, पैंगोंग लेक जो है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। जब से डोकलाम वाला क्राइसिस हुआ तो वहाँ भी चाइना उत्पात मचा रही है। कहाँ पे है? पैंगोंग लेक सबसे ऊपर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित कर दिया। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, इंडिया रशिया में कुछ खास हुआ नहीं था लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में पता होना चाहिए। इंडिया और अफगानिस्तान में डेडिकेटेड एयर फ्लाइट कॉरिडोर शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बीच में इंटरफेरेंस कर रहा था तो सीधे डेडिकेटेड एयरवेज से ही बढ़ा दिया है, बीच में रोडवेज कटा दिया। वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो 1960 में साइन हुआ था उसको मेडिटेट बीच में रोल प्ले किया था, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच में मेची रिवर बहता है। एक अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है इंडिया और नेपाल में, अरुण प्रोजेक्ट जो है, तो मेची रिवर पे शायद अरुण प्रोजेक्ट बन रहा है। ये महानंदा का ट्रिब्यूटरी है। इंडिया और ब्राज़ील के बीच में एक जेबू कैटल करके है जो कि बोवाइन कैपिटल है, ये वो करने के लिए जेबू कैपिटल है। इंडिया ब्राज़ील से रिलेटेड, बस ये याद रखिए। इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का दो ही माना, एक मिनिमम वेज कन्वेंशन कि बच्चा लोग का क्या होना चाहिए इंप्लॉय होने के लिए, और दूसरा वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर, क्या क्या कौन सी इंडस्ट्री आते हैं, ठीक है। चार इंडस्ट्री ऐसे आते हैं और 14 साल मिनिमम है शायद। इंडिया और नीदरलैंड ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया कि भाई अगर इंडिया में किसी को सोशल सिक्योरिटी मिलता है तो मेरा लेबर अगर नीदरलैंड में जाता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए एंड वाइस वर्सा। इंडिया हेग कोड ऑफ चाइल्ड अबडक्शन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक नहीं था, अब सोच रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई महिला है, कोई वुमेन है, वो अपना बच्चा को लेकर चली जाती है बाहर और उसका पति उसको टॉर्चर करता है तो वो एबडक्शन का केस करके उसको वापस बुला सकता था, इसलिए भारत साइन नहीं किया। G20 इस बार कहाँ पे हुआ है? हैम्बर्ग में हुआ है। दिल्ली डायलॉग किससे रिलेटेड है? दिल्ली डायलॉग 9 एशियान से रिलेटेड है। वो लोग सब लोग रिपब्लिक डे पे इंडिया में आए थे, एशियान के लोग, ठीक है। उसके बाद क्या, इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? UNDP के साथ, बेसिकली भारत ने इसका मेंबरशिप ले लिया है, ये साउथ कोरिया में है। नोबेल पीस प्राइज इस बार ICAN को मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ कर रहा है, ये एक NGO है ICAN, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भारत पार्ट नहीं है जो कि रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, और ये OECD है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी फोरम का भारत पार्ट है और इस बार चेयर कंट्री भी बनने वाला है, ठीक है। सार्टाक सबको मालूम होना चाहिए जो तैयारी करें, IMF से रिलेटेड है। सार्टाक में 6 कंट्रीज हैं, जैसे सैसेक में 7 है ना, BBIN प्लस MMS, तो सार्टाक में BBIN प्लस MS है। इसमें म्यांमार नहीं है क्या? कौन कौन है? भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया, नेपाल है, मालदीव्स और श्रीलंका है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस कहाँ पे हुआ। जो भी हो रहा है सब नई दिल्ली मार देना है, इसको बोलते हैं ओलंपिक्स ऑफ जियो साइंस भी, ठीक है। अर्थ साइंस वाला मिनिस्ट्री इसको देखेगा। FATF हमने देखा ही था कि उसने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पे डाल दिया था, तो ये G7 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1989 में, उसमें ये बॉडी को बनाया गया था कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये चेक करेगा। INSTC क्या है? इंडिया, ईरान और रशिया का, यार ये पता होता है लोगों को। इंडिया इंटरनेशनल मैरिटाइम में फिर से रीइलेक्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ कुछ मैंने एक्सरसाइजेज लिख दी हैं, लाइक वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच का है, युद्ध अभ्यास इंडिया US का है, रशिया के साथ इंद्र है, और श्रीलंका के साथ शक्ति मित्र शक्ति है। यूनेस्को एक वेस्ट बैंक में एक सिटी है हेब्रोन सिटी, जो गाजा पट्टी जो बोलते हैं हम लोग उसको, बोल दिया है इंडेंजर्ड सिटी है, मतलब इंडेंजर्ड हेरिटेज बोल दिया है, क्योंकि वहाँ इतना तबाही हो चुका है, वो ज्यूज और मुस्लिम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो भारत करता है, निकालता है सीबेड से, उसको एक्सटेंड कर दिया है। पारासेल और स्पार्टली आइलैंड साउथ चाइना सी में है, जिसको ये लोग जियाजिंग आइलैंड और ये सब भी बोलते रहते हैं। इसमें अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो लगता है कि भाई आपको इंडिया अफगानिस्तान डेडिकेटेड एयर कॉरिडोर पता होना चाहिए। दूसरा जीबू कैपिटल इंडिया ब्राज़ील, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है कि नहीं। तीसरा आपको जो मालूम होना चाहिए वो है कि इंडिया नीदरलैंड के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। चौथा नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? ICAN को मिला है। गला को क्या हो रहा है? हेलो ICAN को मिला है, जो कि एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन को करने के लिए NGO करता है, ठीक है। इंडिया एनर्जी फोरम जो हो रहा है वो इंडिया उसका करंट चेयर बना है, लेकिन इंडिया एनर्जी एजेंसी का पार्ट नहीं है। सार्टाक IMF, एक सेकंड रुकिए, सार्टाक जो है IMF का ये है, चलाता है उसको, और FATF G7 ने बनाया था, बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। यूनेस्को जो वेस्ट बैंक में जो बोला है हेब्रोन सिटी, वो एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी यार मुझे लगता है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, वरुण और ये सब याद आ जाएगा आपको। देखिएगा तो युद्ध अभ्यास US के साथ होता है, वरुण, इंदिरा, मित्र शक्ति, हैंड इन हैंड, संप्रीति, अपना सूर्य किरण, यही 4-5 है, मालाबार, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला वीडियो तुरंत बना रहा हूँ,
और कैब में आप लोग 15 मिनट चल चुके होंगे, अगर वीडियो सही से देख रहे हैं ईमानदारी से तो आपको फ़ायदा हो सकता है, नहीं देख रहे हैं तब भी चिल मारिए, जितना पढ़ लिया जाके इम्प्लीमेंट करना है, ये सब तो बस ऊपर ऊपर है, इससे हो सकता है 0 क्वेश्चन आए, हो सकता है 5 क्वेश्चन आए, कोई लोड नहीं है, 5 नया क्वेश्चन होगा, वो वहाँ जाके सोचेंगे समझेंगे बनाएंगे, या आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको बताना भूल गया बस, है कि नहीं। थैंक यू सो मच, और भाई टेक केयर, अच्छे से जाइए।